जय हिंद। नमस्कार साथियों, सभी भाइयों को और सभी दोस्तों को राम राम। और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे बीच यूरेका क्लासेस के फाउंडर विपिन बिहारी सर उपस्थित हैं, जो कि इनका 11 12th और जी मेंस एडवांस में काफ़ी अच्छा संस्थान है और इनका फाउंडर है और काफ़ी दिनों से इसमें रन कर रहे हैं। और इनका जो स्टूडेंट्स है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और बहुत सारे संस्थान जो है IIT नीट NIT जो भी है, सारे चीज संस्थान में इनका स्टूडेंट गए हैं मैथमेटिक्स के रूप में। यहाँ से मैथमेटिक्स से स्टडी करके अपना अपना सिलेक्शन लिए हैं। तो आज हम इनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे और इनसे सीखेंगे किस तरह से IIT में सिलेक्शन लेना चाहिए और किस तरह मतलब स्टडी करना चाहिए कि कम मेहनत में स्मार्ट वर्क के द्वारा सिलेक्शन हो जाए। तो अभी अपने बारे में कुछ बताएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विपिन बिहारी है, मैं यूरेका क्लासेस में टीचर हूँ और हमारी जर्नी 2011 से ही शुरू हुआ है यहाँ बिहार शरीफ में। और हमें यहाँ 13 साल कंप्लीट हो गए हैं और 13 साल से हम बिहार शरीफ में बच्चों को एक अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र, जैसा कि चंदन जी बताए कि IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT धनबाद, IIT BHU में गए हुए हैं, हमारे यहाँ से अभी तक का सबसे बढ़िया रिजल्ट JEE मेन में 7864 रैंक का AIR है। AIR ये बच्चा अब फिलहाल NIT दुर्गापुर में CS लेकर पढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस। जी कंप्यूटर साइंस जी सर। और हमारे यहाँ जो IIT गए ITN बने हैं यहाँ से, उनमें से हैं प्रदुमन कुमार जो IIT धनबाद से पढ़े हैं, संतू कुमार जो IIT धनबाद से पढ़ के पास आउट हो गए हैं, प्रदुमन फिलहाल असिस्टेंट मैनेजर बराकर में काम कर रहे हैं। ये भारत का कोल इंडिया में पदस्थापित हैं। संतू कुमार का प्लेसमेंट इसी साल हुआ है, वो वेदांता में जॉब कर रहे हैं। वेदांता कोचिंग संस्थान जो है? नहीं, वेदांता माइनिंग का है, जिसके आप फाउंडर मालिक बोलिए अनिल अग्रवाल जी हैं और वो आपके बिहार के मोकामा से हैं, ठीक है। और ये हमारा संतू टेलीफोन एक्सचेंज के पास में इसका घर है। प्रदुमन का घर मोगल कुआं है। एक जागृति है जो IIT बॉम्बे गई है, ये मैं जो टी-शर्ट पहना हुआ हूँ IIT बॉम्बे का, ये उसी ने मेरे को गिफ्ट किया है। यहाँ से एक्चुअली बच्चे जो भी कुछ अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं तो उन कॉलेजों के हमारे पास गिफ्ट के रूप में टी-शर्ट्स, हुडी, घड़ी, ये सब चीज आते रहता है। तो दोस्तों, जो ये संस्थान है बहुत मतलब काफ़ी अच्छा संस्थान है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं IIT में और अच्छा काफ़ी है, इनसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इन्हें उस लेवल का पहचान अभी नहीं मिल पाया जो कि एक चाहिए, जो कि एक बोल सकते हैं आप लोग कि इनको ये प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते। ये फर्स्ट टाइम काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने मेरे साथ जुड़ने का प्रयास किया है और काफ़ी रिजल्ट हुआ, तो इसी कारण मैं इनसे मिलने के लिए जो आए हैं। और IIT जो होता है सर, वे क्या है, मतलब व्हाट इज IIT, इसमें क्या मतलब होता है और इसके बारे में विशेष रूप से बताइए। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेजेस होता है। ये आपके गूगल के CEO सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर से हैं, आपके अरविंद केजरीवाल IIT खड़गपुर से हैं। तो कहने का मतलब ये है कि IIT एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है और यहां से जो पढ़ाई कर लेते हैं, कहते हैं कि सोना बन के जाते हैं, हीरा बन के निकलते हैं। तो एक एग्जाम पहले होता है एंट्रेंस एग्जाम के लायक, है ना? समय समय के अनुसार IIT का एग्जाम जो है वो चेंज होते रहा है। कभी IIT पहले खुद एग्जाम लेती थी, अभी क्या है कि GMAIN आप और एडवांस सुने होंगे, तो आप पहले GMAIN में कट ऑफ पार करो, GMAIN क्वालिफाई करो, उनमें से कुछ बच्चे जो GMAIN क्वालिफाई होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो GMAIN के बाद एग्जाम देंगे वो IIT एडवांस क्वालिफाई करते हैं और IIT एडवांस से IIT में एडमिशन होता है।
यानी कि दो पड़ाव है, पहले जी मेंस निकालना पड़ेगा, मेंस में जिनका अच्छा नंबर होगा वो एडवांस के लिए क्वालिफाई करेगा। जी जी, एडवांस में जाकर फिर उनका फाइनली होगा। हाँ हाँ, जी मेंस से बेसिकली आपको एनआईटी मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जी मेंस के बाद एडवांस का पेपर देते हैं आप, उससे आपको आईआईटी मिलता है। आईआईटी अभी कितने मतलब है सर, और क्या मतलब सबका आप बताइए थोड़ा सा आईआईटी के बारे में। आईआईटी अभी इंडिया में 23 है, 23 है, और जिनमें से प्रमुख आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की, आईएसएम धनबाद जो अब आईआईटी धनबाद है, और इसके अलावे आईआईटी पटना, आईआईटी राउरकेला, बहुत सारे अब खुल गए हैं। और आईआईटी और आप लोग का आपका जो क्लास चलता है कितने हावर का लेते हैं? और हमारा सालों भर का रूटीन होता है क्लास का टाइमिंग का, सुबह 7 से 11 और 2 से 6। दो से छ जी, सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। एक्चुअली रात में तो यहाँ क्लासेस चलता नहीं बिहार शरीफ में, तो 6 बजे तक ही चलाते हैं। और कौन कौन से मतलब कौन कौन से क्लास को कवर करते हैं? 11th 12th हम बेसिकली 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। 10th सीबीएसई बोर्ड वाले, ऐसा नहीं है बिहार बोर्ड वाले भी, जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो, उनका कुछ ड्रीम अच्छा है पढ़ने वाले बच्चे, तो उनके लिए हम पढ़ाते हैं। और 11th 12th बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों का बैच चलता है, और उन्हीं सब बच्चों में जो बच्चे का एम थोड़ा सा बढ़िया होता है कि जी में एडवांस दे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें, उनको हम भरपूर सहयोग करते हैं। आईआईटी में जाने के बाद क्या होता है सर, वहां पे कितना साल का कोर्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आईआईटी में 4 साल का कोर्स होता है आपका, 8 सेमेस्टर में बटे हुए होते हैं, और 7th सेमेस्टर में जाके आपका प्लेसमेंट होता है, और वहां पे वेल डिसिप्लिन वेल कल्चर्स में रहना होता है, और वहां से बढ़िया करना होता है। आईआईटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट से बेहतर माना जाता है, क्या कारण है सर? क्योंकि वहां पे क्रीम पहुंचते हैं, पढ़ने वाले छात्र पहुंचते हैं, इंडिया के टॉप टैलेंटेड माइंड्स वाले ही लोग वहां पहुंचते हैं, क्रैक कर पाते हैं, इसलिए सबका पहला पसंद, सारे कंपनीज, सारे पीएसयू जो भी है, पहला पसंद आईटीएन हो जाता है। ये जेई मेन और एडवांस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन लेता है, और जिसके थ्रू क्रीम माइंड का सिलेक्शन होता है। जी सर, और आप लोग यूट्यूब पे भी लगता है एक्टिव है, यूट्यूब पे आपने? हाँ, बच्चों की फरमाइश पे हम यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर हम देते रहते हैं। क्या चैनल का नाम, चैनल के बारे में थोड़ा सा अपने बताइए। मेरे चैनल का नाम है यूरेका क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, उसमें अभी फिलहाल करीब 70+ वीडियो डल चुके हैं, मतलब 70+ क्वेश्चन से डले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे करके पूरा टॉपिक का क्वेश्चन उसमें डाल दूं मैं। तो दोस्तों, आप अगर घर से होम सर्विस में, होम से अगर स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे बच्चे, एक्चुअली अच्छे बच्चे, अच्छा संस्कार, अच्छा वेल बिहेव बच्चे, बहुत रेयर होता है कि मतलब कि टीचर से कम्युनिकेशन और टीचर से को गुड फॉलोअर्स मिले। आप अच्छे डिसिपल हो तो अच्छे टीचर नहीं मिलते, अच्छे टीचर है तो अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं, बहुत दिक्कत है। मैं ये मानता हूं कि आईटी क्रैक करना आसान काम नहीं है, आईटी क्रैक करना तो आप समझो कि जिसमें एक्स फैक्टर होता है वही क्रैक करता है। मतलब मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं कोशिश करके ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, आप अच्छे बच्चे हो, ढंग से पढ़े, वेल डिसिप्लिन में पढ़े, तो एनआईटी तक पहुंच गए। लेकिन एनआईटी से आईटी तक तो अपने फाइट करके पहुंचना होता है, उसमें आपका बच्चे का बहुत योगदान होता है मेहनत करने का, और टीचर्स तो हाँ फॉलो जरूर करवाते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को एनसीईआरटी, आरडी शर्मा ढंग से कराते हैं। एक बुक होता है अरिहंत का क्वेश्चन बैंक, जो सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th के लिए, वो भी हम यहाँ कराते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छे मार्क्स से लाए। एक बच्चा हर्षराज था, जिन्होंने 99 मार्क्स लाया था सीबीएसई बोर्ड में, तो उसका भी हमने बैनर लगा रखा है।
यहाँ पे आप हमारे क्लास में आप देखते हैं कि आई कार्ड वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं, तो ये जिस साल का सबसे टॉप रिजल्ट होता है उसी का आई कार्ड चिपकता है। जो बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट है वो क्या कारण है कि वो बहुत कम सिलेक्ट हो पाता है आईआईटी में, देखिए बारे में क्या मतलब बिहार बोर्ड के बच्चे बिहार शरीफ में दिक्कत ये है कि मैं देखता हूं कि अधिकांश बच्चे बुक्स ही नहीं खरीद पाते हैं। मैं मार्केट में जाता हूं, आप किताब दुकान पे जाके पता कीजिए कि यहाँ किताब ही नहीं बिकता है, और बहुत सारा डिमेरिट्स है इसके चलते। मैं अगर गिनाना चाहूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दिक्कत यह है कि सबसे पहला बिहार बोर्ड के बच्चे यहाँ पे बिहार शरीफ में वहां कोचिंग करने जाते हैं जहां पे 250, 300, 400 का बैच होता है, तो ना ही वो टीचर अच्छा से पढ़ा पाते हैं, ना बच्चा ही कोई क्वेश्चन वहां पूछ पाता है, और बुक तो लेकर ही नहीं जाता है। मैं इस खास तौर पे बहुत ये कमी देखता हूं बिहार शरीफ में। बच्चों का एम बहुत हाई होता है लेकिन उसके अनुसार वो मेहनत करने नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप जैसे, और बिहार बोर्ड में जैसे जो बच्चे होते हैं, आप ये देखते होंगे कि बिहार शरीफ से मतलब बहुत कम ही आईटी और एनआईटी के बच्चे सिलेक्शन हो पाते हैं। कारण यही है कि यहाँ की उस तरीके का जैसे एक माहौल, जो जैसे आपका कोटा में है, पटना में है, दिल्ली में है, उस टाइप का माहौल यहाँ स्टडीज में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मतलब हम बच्चों को कहना चाहेंगे कि आप वहां कतई मत जाइए पढ़ने के लिए जहां एक बैच में 40 बच्चों से ज्यादा का बैच चलता हो। क्लियर कट बात है, आपका पुस्तक ले जाना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी बुक पढ़िए लेकिन किताब जरूर साथ में रखिए। बच्चे बड़ा दिक्कत होता है कि हाँ, ये हम सरकार की नीतियों का कुछ यहां पे नहीं बोलना चाहेंगे, हालांकि ये बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया है कि बिहार बोर्ड में आईएससी में 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव उसमें सिर्फ 85 करना है, उसमें भी नो निगेटिव मार्किंग। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि अगर अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और हाँ, अभी हाल फिलहाल के दिनों में न्यूज माध्यम के पेपर के समाचार के अनुसार ही बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है पहल, सरकार द्वारा बहुत अच्छा पहल मिल रहा है। टीचर्स अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाने लगे हैं, वो भी ऑन ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई बेस्ट बुक बताए जिनमें स्टूडेंट फॉलो करें, कोई एक बेस्ट बुक? देखिए, अगर क्लासेस की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के लिए आरडी शर्मा मैथ्स में बहुत बढ़िया बुक है। हाँ, जो बच्चे जीमेन और एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आरडी शर्मा, तो ये बहुत अच्छी बुक है। बैंक जो पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसके बारे में कुछ बुक के बारे में सजेस्ट करिए सर। क्वेश्चन बैंक हम बच्चों को लगवाते हैं अरिहंत के, अरिहंत वाले पब्लिकेशन से, और वो 10 ईयर का होता है क्वेश्चन बैंक, और बहुत ही बढ़िया होता है। मैं तो ये बच्चों से बोलता हूं कि अरिहंत का क्वेश्चन बैंक से आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही मार्क्स आएगा आपका एग्जाम में, और बच्चे करते हैं। और अगर आप अरिहंत का क्वेश्चन बैंक आप लगाते हो, करते हो, तो उसके साथ साथ आपको जी मेन्स का भी तैयारी हो जाता है। मेंस जो जी मेन्स एडवांस होता है उसके लिए कब एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है सर? जी मेन का एग्जामिनेशन साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक तो जनवरी सेशन होता है और दूसरा अप्रैल सेशन होता है। जनवरी और अप्रैल जी दोनों से सिलेक्शन होता है? हाँ, जेई मेन दोनों पेपर होता है। कितने स्टूडेंट्स अप्रॉक्स शामिल होते हैं इस एग्जाम में और कितने का सिलेक्शन होता है लगभग? जेई मेन में 2024 में करीब 15 लाख बच्चे अपियर हुए हैं, और सिलेक्शन की बात किया जाए तो टॉप मोस्ट 50,000 बच्चे ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। नीट में कितना होता है? एनआईटी में एनआईटी ऑल इंडिया पे 31 है, 31 हाँ 31 कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इसमें भी भारत सरकार का बहुत अच्छा कॉलेज है,
आप कहीं भी देखोगे NIT पटना, NIT भोपाल, NIT दिल्ली, तो IIT 23 या NIT 31 जी जी, यही इतना कॉलेज में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है ना? हाँ हाँ, नहीं इसके अलावा भी हैं, IIIT है आपके, IIFT है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जी मेंस और एडवांस के रिजल्ट के थ्रू एडमिशन होता है। और बच्चों के लिए कुछ सजेशन बताइए सर कि उसको किस तरह से, अगर कोई सेल्फ स्टडी पे ही बिलीव करता हो उसके लिए कुछ सजेशन दीजिए। सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई चीज नहीं है, लेकिन आपको एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर चाहिए होता है। प्रॉपर गाइडेंस कहने का मतलब क्या होता है कि आप किन्हीं ढंग के टीचर से संपर्क में रहें, किन्हीं आपके कोई गार्जियन ही, कोई आपके गॉडफादर आप कह लीजिए, जो आप जो कहीं क्वालिफाइड कर चुके हैं कहीं बढ़िया जगह, तो उनसे आप सजेशन लें, ना कि आप बेकार जगह से कहीं सजेशन लें, क्योंकि वो आपको फिर मैंने बेकार कर देते हैं। आप अच्छे जगह से सिलेक्शन, आप देखिए सीधी सी बात है, NCERT तो NCERT का हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो। और यहां का जो परिस्थिति है, अब जैसे एक बुक है फिजिक्स का SC वर्मा, तो मैं बच्चों से बोलता हूं कि आप 5 बार करो, IIT की गारंटी हम देते हैं, लेकिन 5 बार होना चाहिए, 5 times रिवीजन। हाँ एकदम बिल्कुल, कम से कम मिनिमम 5 times। हाँ, जो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार लगाए हैं क्वेश्चन, अब 6 से 8 घंटा तक वो सेल्फ स्टडी किए हैं, बिना सेल्फ स्टडी किए कुछ नहीं होता है। हाँ, टीचर आपके गाइडलाइनर होते हैं, जो बुक फॉलो कराते हैं वो आपको करना चाहिए, और क्वेश्चंस को बार बार करना चाहिए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो, जो टीचर्स बताएं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कम से कम 5 बार करना चाहिए, कम से कम, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना। अभी कहाँ पे है सर, और लोकेशन कहाँ कहाँ है, ये लोकेशन के बारे में थोड़ा बताइए। ये संस्था धनेश्वर घाट मंदिर के पीछे अवस्थित है, और ये 2011 से ही चल रहा है, और अभी हम लोग 2024 में हैं, तो 13 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आपको फोकस सिर्फ मैथमेटिक्स पे आपका मतलब? देखिए हाँ, मैं मैथ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूं बच्चों को, और इसी वजह से हमारा कोचिंग 13 साल से चल रहा है। और जो बच्चे जिनको, जिससे लगता है कि वो बच्चे हमारा आगे जाके रिजल्ट देने वाले हैं, तो उनको मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की गाइडलाइन करता हूं। मैं बोलता हूं कि आप एचसी वर्मा प्रॉपर कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव वन कीजिए। फिजिक्स वाला सर? जी जी, एचसी वर्मा फिजिक्स का बुक है। हाँ, एचसी वर्मा बहुत ही अच्छा बुक है, ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए रामायण के समान है। केमिस्ट्री के बारे में बताइए, केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? केमिस्ट्री के लिए आप RC मुखर्जी लगाओ, पी बहादुर लगाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहल एंड बहल की बुक्स आती है, आप वो सभी कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपका NCERT होता है। NCERT सारा बुक का इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। NCERT आप जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह का खुद तैयारी कर लेते हो NCERT बुक से, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आता है। आप फिजिक्स में इधर उधर से बहुत लंदी क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्रॉब्लम मतलब क्रिएटिंग सॉल्विंग क्वेश्चन आते हैं, आपका मैथ बहुत लंदी आता है, बहुत चीजें होता है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसलिए NCERT तो रट लो आप। जो एग्जाम होता है IIT का, उस कितने हवर का होता है? IIT एडवांस का जो पेपर होता है वो 2 पेपर होता है, 3-3 घंटे का। कितने क्वेश्चंस रहते हैं और कितने नेगेटिव मार्किंग है, सारा चीज थोड़ा सा बता। देखिए ये पिछले जो क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न पे बता सकता हूँ, इस साल के आने वाला है मुझे खुद नहीं पता, तो उसका पैटर्न वो IIT वाले ही जानते हैं, चेंज करते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या आएगा पेपर में वो IIT वाले जानते हैं। अप्रॉक्स क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? ये जैसे JEE मेन में होते हैं, JEE मेन में इस बार मतलब 75 है। हाँ हाँ, लेकिन एडवांस में क्लियर नहीं कर सकते हैं अभी, उस पर डिपेंड है कितना। हाँ हाँ, कितना आएगा वो जाने। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है इसका? देखिए JEE मेन में नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4,
मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही किए तो 4 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत किए तो -1 मार्क्स मिलेगा, नो अटेम्प्ट 0 मार्क्स मिलेगा। एडवांस में कुछ क्वेश्चंस में आपके 1/3 लगते हैं, कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 मार्क्स मिल जाएगा और नो अटेम्प्ट पे 0 मार्क्स मिलेगा आपको। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो वो आप एग्जाम हॉल में ही पता करते हैं बच्चे कि क्या होने वाला है। हाँ, उसके लिए आपकी तैयारी जम के होनी चाहिए, ठीक है, तैयारी में कमी नहीं। इज नॉट इन आवर हैंड बट द वे ऑफ प्रिपरेशन देयर वी शुड नॉट टू बी फेलियर। तो ये बात आप अच्छा से याद कर लीजिए ताकि हिंदी में समझाइए सबको। अच्छा अच्छा, ये बात ये है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो तैयारी करने का जो तरीका है, प्रिपरेशन करने का, उसमें हमें कभी कोई कटौती नहीं करना चाहिए। अपना प्रिपरेशन में 100% देना चाहिए ताकि आपका कोई भी फील्ड का रिजल्ट हो, सक्सेस तो आता ही आता है। और आप इस क्षेत्र में आए सर, इससे पहले आप आईआईटी की प्रिपरेशन किए होंगे या फिर इसमें? हाँ, बिल्कुल। मैं आईटी का प्रिपरेशन करने के लिए ही दिल्ली गया था और अनफॉर्चुनेटली हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि वहां मुझे ट्यूशंस पढ़ा के पढ़ना होता था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता था क्योंकि 16-17 साल के बच्चे आप देखो कि 5-6 घंटा ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसके बाद यर्न करके खुद पढ़ाई कर रहा है, वो भी आईटी की तैयारी, तो कहीं ना कहीं मेरे से कमी रह गई कि मेरा सिलेक्शन आईटी में नहीं हो पाया। तभी मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने नेटिव प्लेस पे खोलकर कुछ बच्चों का तो कम से कम सिलेक्शन करवाएं। तो जो भी 5-6 बच्चे हमारे से निकले हैं वो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट्स है, उसके बारे में आप कुछ बताइए और टीचर्स के बारे में भी बताइए, क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, बच्चों के लिए तो मैं यही एक स्लोगन बोलता हूं, एक्सेलेंस डजंट जस्ट हैपन, इट्स ए डिसीजन यू मेक एवरी डे। आप इसको रट लो, डेली पढ़ो, डेली सुनो, तो आप अपने में आप में इंप्रूवमेंट करते जाओगे। रही बात यहां की टीचर्स की, तो मैं यही बोलूंगा, टीचिंग शुड बी नोबल प्रोफेशन एंड टीचर मस्ट बी रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी। ये एजुकेशन का जो सिस्टम है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसको एक मतलब क्या बताएं, इसको आप दिल से, हृदय से, मन से 100% एफर्ट के साथ कीजिए, ना कि सिर्फ आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आप अपने भाई बंधु को ही पढ़ा रहे हैं, लोकल प्लेस है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से रिजल्ट होता है तो बहुत खुशी मिलता है। आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कितना बजे आप लाइव क्लास उस पे देते हैं और रिकॉर्डेड क्लास जो होता है? देखिए, ज्यादा रिसोर्सेस कम होने की वजह से, हालांकि बच्चों का गुड सजेशन, फैमिली वालों का गुड सजेशन के कारण मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसे जैसे हमारा रिसोर्सेस तगड़ा होता जाएगा, आपको बेहतर क्वालिटी से वीडियो मिलेगा और सारे टॉपिक्स का मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हमने कुछ लिमिटेड, अब जैसे 10th का ट्रिग्नोमेट्री का हमने वीडियो डाला है, 11th का लिमिट का डाल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे चलता ही रहेगा और आप लोग का प्यार सदा बने रहे ताकि हम इन चीजों को और बेहतर तरीके से करें और आपके सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको आईआईटी से रिलेटेड जो जानकारी दिया गया, अगर आप लोग को इम्पोर्टेंस लगता हो तो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करिए और जो भी कमेंट में पूछना रहे, इनका यूट्यूब चैनल है, चैनल क्या था सर? यूरेका क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स, इनसे जुड़े और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज विशेष जानकारी के रूप में दे दिया जाएगा, इनका नंबर भी दे दिया जाएगा, वहां से इनसे जुड़ सकते हैं और इनके साथ स्टडी कर सकते हैं, इनको अपने लाइफ में इनको से जुड़कर अपना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो और नेक्स्ट आपका जो एम्बिशन है उसमें आप सफल प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।